आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हो किस तरीके से आप लिनोड की मदद से अपना सिंगल यूजर प्रॉक्सी कैसे बनाएंगे, जिसमें हम इस्तेमाल करने वाले हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक उबंटू और डेबियन। इस वीडियो में आपको हम ए टू जेड प्रोसेस दिखाएंगे किस तरीके से आपको अपना प्रॉक्सी रेडी करना है जो कि होगा सिंगल यूजर। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपना लिनोड का अकाउंट कुछ इस तरह से कर लेंगे लॉग इन। फिर आप यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर क्लिक करोगे क्रिएट, इसके बाद यहाँ पर क्लिक करोगे लिनोड, तो आप कुछ इस तरीके से इस पेज में आ जाओगे। सबसे पहले अपना लोकेशन चूज़ करोगे, आपको किस रीजन में अपना वर्चुअल मशीन को करना है होस्ट। इसके बाद यहाँ पर हम चूज़ करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा, उबंटू और डेबियन। सबसे पहले हम सीखेंगे वो स्क्रिप्ट जिसकी मदद से आप 24 वाला वर्ज़न, 22 वर्ज़न, 20 वर्ज़न, इसके बाद डेबियन में डेबियन 12 और डेबियन 11, इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करके अपना प्रॉक्सी बना सकते हैं। सबसे पहले हम उस स्क्रिप्ट को सीखेंगे, इसके बाद हम सीखेंगे थोड़ा लॉन्ग स्क्रिप्ट जो कि काफ़ी बेटर है, लेकिन वो सिर्फ वर्क करेगा डेबियन 11 और उबंटू 20 वर्जन में। तो हम पहले सीखते हैं डेबियन 12, क्यों? क्योंकि अभी इसमें जो स्क्रिप्ट अप्लाई करेंगे वो स्क्रिप्ट इन सभी वर्जन में वर्क करेगा जिसके बारे में अभी हम आपको बताएं। इसके बाद करोगे नीचे स्क्रॉल को जिस तरीके से, फिर यहाँ पर अपना प्लान चूज़ कर लोगे, आपको किस टाइप का अपना प्लान सेलेक्ट करना है अपने बजट के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ सेट सीपीयू, इसके बाद यहाँ पर लेते हैं 8 GB। इसके बाद करेंगे नीचे स्क्रॉल को जिस तरीके से, फिर यहाँ पर अपना लेवल टाइप कर देंगे, आपको क्या नेम रखना है। इसके बाद यहाँ पर टाइप करेंगे पासवर्ड, आपको क्या पासवर्ड रखना है जो कि होगा एड कैरेक्टर का, जिसमें आप स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे अपना पासवर्ड बनाने के लिए। फिर करेंगे हम नेचर स्कॉल को जिस तरीके से करते जाएंगे, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट लिनोड। इसके बाद आपको यहाँ पर 1 से 2 मिनट वेट करना है, फिर आपका वर्चुअल मशीन सक्सेसफुली बनकर रेडी हो जाएगा। जैसे आपका वर्चुअल मशीन सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से रनिंग वाला आइकन आ जाएगा। इसके बाद इसे करेंगे हम कॉपी, फिर अपने कंप्यूटर में आकर यहाँ पर टाइप करेंगे CMD, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट। हम इसी की मदद से अपना प्रॉक्सी बनाएंगे। इसका हम क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें स्क्रिप्ट अप्लाई इसी के थ्रू करना है जो कि काफ़ी सिंपल है। फिर यहाँ पर आकर सीधा करेंगे पेस्ट। पेस्ट करने के लिए आपको माउस का राइट बटन को प्रेस करना है, या फिर अगर आप लैपटॉप यूज़र हो तो लैपटॉप का टच बार में जो राइट बटन है उसको प्रेस करना है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएंगे पेस्ट। इसके बाद करेंगे एंटर, फिर यहाँ पर आप टाइप करोगे यस, YES, देन करोगे एंटर। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड टाइप करना है, आपने जो पासवर्ड अपना वर्चुअल मशीन बनाते वक्त रखे थे वही पासवर्ड आपको यहाँ पर टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पर अपना पासवर्ड टाइप करोगे तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं करेगा। फिर पासवर्ड टाइप करने के बाद करेंगे एंटर, इसके बाद आपका वर्चुअल मशीन कुछ इस तरीके से हो जाएगा कनेक्ट। देन आपको करना है अपना स्क्रिप्ट अप्लाई ताकि ये प्रॉक्सी में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए ये काफ़ी सिंपल स्क्रिप्ट है, इसे करेंगे हम कॉपी Ctrl+C, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट और एंटर। इसके बाद आपको इसे करना है कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट और एंटर, और आपको यहाँ पर 1 से 2 मिनट वेट करना है, फिर आप अगला स्क्रिप्ट अप्लाई करेंगे। इसके बाद आपको इसे करना है कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट और करेंगे एंटर। इसके बाद आपको अपना यहाँ पर यूज़र नेम सेट करना है, क्या यूज़र नेम रखना चाहते हैं अपने प्रॉक्सी का। मैं यहाँ पर रखता हूँ डेमो, फिर यहाँ पर रखेंगे पासवर्ड, आप क्या रखना चाहते हो पासवर्ड। पासवर्ड टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करोगे, फिर से आपसे कहेगा कि यहाँ पर दोबारा पासवर्ड टाइप कीजिए ताकि आपका पासवर्ड हो जाए कन्फर्म और आप भूले ना इसे, देन करोगे एंटर। इसके बाद करेंगे एग्ज़िट, आपका प्रॉक्सी बनकर हो चुका है रेडी। अब करेंगे इसका हम टेस्ट। टेस्ट करने के लिए इसे करेंगे हम कॉपी, फिर अपने कंप्यूटर का सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे प्रॉक्सी में, यहाँ पर क्लिक करेंगे सेटअप में, इसे करेंगे ऑन, इसे रिमूव करेंगे और करेंगे पेस्ट। पोर्ट हमारा क्या होगा 3128, देन करेंगे सेव, फिर क्रोम में आकर अपना प्रॉक्सी को चेक कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर आएँ तो हमसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांगने लगा, इसका मतलब हमारा प्रॉक्सी रेडी हो चुका है। इसके बाद
इसे करेंगे हम ऑफ। अब सीखते हैं अगला स्क्रिप्ट से, जो कि काफ़ी लॉन्ग है लेकिन इससे काफ़ी बेहतर है। वो स्क्रिप्ट आपको लॉन्ग टाइम में काफ़ी हेल्प करेगा, इसलिए मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ किस तरीके से आपको करना है। तो करते हैं इसे हम डिलीट, इसे करेंगे हम कॉपी यहाँ कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे पेस्ट और करेंगे डिलीट। इसके बाद अब सीखते हैं लॉन्ग स्क्रिप्ट से, यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट लिनोड, देन यहाँ पर सेलेक्ट करोगे ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी जो मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बताने वाला हूँ वो सिर्फ वर्क करेगा उबंटू 20 वर्जन में और डेबियन 11 वर्जन में। दोनों का प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर है, इसमें बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, इसलिए आपको हम एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वर्जन में बना के दिखाएंगे, जिसे देखकर आप समझ जाओगे किस तरीके से आपको बाकी वर्जन में अपना काम करना है। तो हम सेलेक्ट करते हैं इसको उबंटू 20 वर्जन को, देन करेंगे नीचे स्क्रॉल, यहाँ पर लेंगे अपना वेरिएंट, किस वेरिएंट का आपको वर्चुअल मशीन चाहिए, देन करेंगे नीचे स्क्रॉल, फिर यहाँ पर आप कुछ भी नेम टाइप कर दोगे, देन यहाँ पर टाइप करेंगे पासवर्ड जो कि होगा ऐड कैरेक्टर्स का, फिर करेंगे नीचे स्क्रॉल कुछ इस तरीके से करते जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट लिनोड, और आपका वर्चुअल मशीन कुछ इस तरीके से बनने लगेगा। आपको वेट करना है 1 से 2 मिनट, जैसे आप वेट करेंगे तो यहाँ पर आपका रनिंग वाला आइकन आ जाएगा। हमारा वर्चुअल मशीन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, तो फिर करेंगे इसे हम कॉपी, फिर यहाँ पर आकर टाइप करेंगे CMD, देन इसे करेंगे ऑन, फिर करेंगे पेस्ट और करेंगे एंटर। इसके बाद यहाँ पर टाइप करेंगे यस और करेंगे एंटर, फिर टाइप करेंगे पासवर्ड, आपने जो पासवर्ड रखा था वर्चुअल मशीन का वही पासवर्ड आपको यहाँ पर टाइप करना है, फिर करना है एंटर। तो कुछ इस तरीके से आपका वर्चुअल मशीन हो जाएगा कनेक्ट। इसके बाद हमें इस स्क्रिप्ट को अप्लाई करना है, जो कि डेबियन 11 और उबंटू 20 वर्जन में ये वर्क करते हैं। सबसे पहला कमांड इसे करेंगे हम कॉपी कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट और यहाँ पर क्लिक करेंगे पेस्ट एनीवे, अगर आपके सामने ये एरर आए तो। इसके बाद फिर से अपने कीबोर्ड में एंटर प्रेस करना है, वाई प्रेस करना है और एंटर। इसके बाद इस कमांड को करेंगे हम कॉपी कंट्रोल प्लस सी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट और एंटर, और फिर वाई, फिर एंटर। इसके बाद इसे करेंगे हम कॉपी कहाँ तक, यहाँ तक कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए, फिर यहाँ पर आकर करेंगे पेस्ट, पेस्ट करने के लिए माउस का राइट बटन को प्रेस करेंगे, फिर देंगे यहाँ पर स्पेस और आप यहाँ पर यूज़र नेम टाइप करोगे जो यूज़र नेम अपने प्रॉक्सी का रखना चाहते हैं, देन करोगे एंटर, फिर आप यहाँ पर टाइप करोगे पासवर्ड, आपको क्या पासवर्ड रखना है अपने प्रॉक्सी का, फिर करेंगे एंटर, फिर से आप दोबारा पासवर्ड टाइप करोगे और करोगे एंटर। ध्यान रहे जब आप यहाँ पर पासवर्ड टाइप करोगे तो यहाँ पर पासवर्ड नहीं शो करेगा, लेकिन बैकएंड में आपका काम हो जाएंगे। इसके बाद इसे करेंगे हम कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट और एंटर। इसके बाद इसे करेंगे हम कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे करेंगे हम पेस्ट और एंटर, फिर अपने कंप्यूटर का कीबोर्ड में प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस W, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएंगे सर्च बार। आपको यहाँ पर टाइप करना है http://access:deny:all, देन करोगे एंटर, तो आपको जिस तरीके से यहाँ पर इस पेज में आ जाओगे। आपको क्या करना है, यहाँ पर लेके आना है कर्सर बार को, फिर कुछ इस तरीके से यहाँ पर लेके आएंगे, यानी कि हमें यहाँ पर लेके आना है और प्रेस करना है एंटर, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्पेस क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पर अब हम एक लाइन ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाला काम ख़त्म करेंगे, इसे हम ऊपर लेके जाएंगे, फिर यहाँ पर आएंगे, इसे करेंगे हम कॉपी कुछ इस तरीके से कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट। साथ में आपको ध्यान रखना है, अगर आपको यहाँ पर स्पेस क्रिएट होते हैं तो उसके लिए हम इस कर्सर बार को यहाँ पर लेके आएंगे, डिलीट बटन को प्रेस करेंगे, फिर ऊपर लेके जाएंगे, इस तरफ लेके आएंगे, देन करेंगे हम नीचे कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ पर आकर इसे करेंगे हम कॉपी और यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट। फिर से हो चुका स्पेस क्रिएट, फिर इसे करेंगे हम रिमूव, फिर इस तरफ लेके आएंगे स्पेस और यहाँ पर आकर IP एड्रेस करेंगे हम कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट, देन इसे नीचे लेकर आएंगे कुछ इस तरीके से। फिर इसके बाद आपको इस कमांड को करना है कॉपी कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए, और यहाँ पर आकर कर देंगे पेस्ट, पेस्ट करने के लिए माउस का राइट बटन को प्रेस करेंगे
या फिर अगर आप लैपटॉप यूज़र हो तो लैपटॉप पर राइट बटन को प्रेस करेंगे तो ये हो जाएंगे कुछ इस तरीके से पेस्ट। फिर इसे हम यहाँ पर लेके आएंगे क्योंकि हमें इसे रिमूव करना है। देन करेंगे सेव, सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, फिर वाई और एंटर। इसके बाद इसे करेंगे हम कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट और एंटर। फिर आपको यहाँ पर 1 से 2 मिनट वेट करना है, आपका स्क्विड सर्विस रीस्टार्ट हो रहा है। रीस्टार्ट कम्प्लीट होने के बाद इस कमांड की बारी, इसे करेंगे हम कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट इंटर। इसके बाद इसे करेंगे हम कॉपी कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट और एंटर। इसके बाद करेंगे नीचे स्क्रॉल, फिर इसे करेंगे हम कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट और हम इसे इस तरफ लेके आएंगे। इसे करेंगे हम रिमूव, यहाँ पर टाइप करेंगे अपना यूज़र नेम, क्या यूज़र नेम रखे हो, देन फिर टाइप करेंगे पासवर्ड, क्या पासवर्ड रखे हो, और यहाँ पर @ टाइप करेंगे। फिर अपने लिनोड अकाउंट में जाएंगे, यहाँ से IP address को करेंगे कॉपी और यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट और इसे इस तरफ लेके आएंगे। देन करेंगे एंटर, तो आपका प्रॉक्सी कुछ इस तरीके से बनकर हो जाएगा रेडी। कैसे पता करेंगे, ऊपर स्क्रॉल करेंगे कुछ इस तरीके से, करते जाएंगे तो यहाँ पे कनेक्शन में कीप अ लाइव वाला मैसेज आ जाएगा कुछ इस तरीके से। देन करेंगे इसे हम एग्जिट, क्या टाइप करेंगे EXIT, देन करेंगे एंटर। इसके बाद ये हो जाएगा क्लोज। अब चेक करते हैं कि ये वर्किंग है या नहीं। IP address कॉपी करने के बाद सेटिंग में जाएंगे, देन प्रॉक्सी में जाएंगे, फिर जाएंगे सेटअप में, इसे करेंगे ऑन, इसे करेंगे यहाँ पर पेस्ट। हमारा पोर्ट क्या होगा 3128, सेव करेंगे। फिर क्रोम में आकर इसे करेंगे हम रिफ्रेश, रिफ्रेश करने पर नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ भी टाइप करेंगे, देन करेंगे एंटर। तो कुछ इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांगने लगेगा। आपको यहाँ पर अपना यूज़र नेम टाइप करना है, क्या पासवर्ड रखे हैं वही पासवर्ड आपको यहाँ पर टाइप करना है, देन करेंगे साइन इन। तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर प्रॉक्सी वर्क करने लगेगा। चेक करने के लिए हुवर टाइप करेंगे, देन जाएंगे इस वेबसाइट में, तो आपका यहाँ पर IP address कुछ इस तरीके से आ जाएगा जो आपका प्रॉक्सी का है, जिसे आपने यहाँ पर सेटिंग से सेट किया है वही IP आ जाएगा। तो आप जान चुके हैं किस तरीके से आपको अपना प्रॉक्सी बनाना है लिनोड की मदद से, जिसमें आप इस्तेमाल करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स होगा और उसमें OS कौन सा होगा, डेबियन और उबंटू। इसके बाद आपको अगर ये स्क्रिप्ट चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर ये दोनों PDF आपको मिल जाएगा, जिसे आप काफ़ी आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे और अपना प्रॉक्सी आसानी से बना पाएंगे। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।